नमस्कार प्यारे किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देसी जमींदार पे। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में हम आपको ऐसे युवा किसान से मिलाएंगे जो जैविक खेती की अच्छे स्तर पे तैयारी कर रहे हैं और अभी वो फिलहाल वर्मी कंपोस्ट की भी 3-4 यूनिट चला रहे हैं, जिनकी एक यूनिट में हम यहाँ पे खड़े भी हैं। और अब वो वर्मी कंपोस्ट का जो बिजनेस है वो कैसे हैंडल कर रहे हैं, कहाँ पे सेल्स कर रहे हैं, अपना वो कैसे कितनी कमाई आ रही है, कितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और अब किस लेवल पे वो वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम उन्हीं की जुबानी उनसे आपको सुनवाएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज आपको मिलाते हैं एक ऐसे किसान से जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर और जो खेती में अपने हाथ आजमा रहे हैं, तो आज हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने कैसे इसकी शुरुआत की थी, क्या उनका टारगेट था और अब आगे भविष्य में वो क्या करना चाहेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम उन्हीं से पूछते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम आशीष पहल, गाँव गड्डी बल्लम रोहतक। मैं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग था और विशाखापट्टनम में जॉब करता था, तो मैंने वहाँ से जॉब छोड़ के सबसे पहले जब मैंने जैविक खेती करने की सोची तो फिर मेरे दिमाग में वो आया कि मैं खाद कहाँ से लूँगा। तो मार्केट में जो खाद थी, जैविक खाद जो है अपने, तो उसकी न्यूट्रिशन भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो मैंने फिर अपना खुद का ही बनाने का सोचा न्यूट्रिशन। और मैंने स्टडी की इसके बारे में कैसे क्या कौन कौन से न्यूट्रिशन ऐड होते हैं। और मैंने अभी इसमें वर्मी कंपोस्ट तो आपको आम भी मिल जाएगी, पर जो मैंने अभी यूनिट लगाई है इसमें मैंने एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ऐड किए हैं, जैसे मैं नीम यूज़ करता हूँ और सफेदे के पत्ते यूज़ करता हूँ और किचन की सब्जियों के जो छिलके होते हैं वो यूज़ करता हूँ। अपना जितना यूज़ होता है वो खेती में यूज़ कर लेता हूँ, बाकी अब मैं मार्केट में सेल कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, खेती के लिए लगाया था, फिर जैसे आसपास के लोगों ने पता चल गया शुरू किया तो वो आने लगे, नर्सरी वाले मेरे से कांटेक्ट करने लगे, तो फिर मैंने अपनी 4 यूनिट और उनके लिए लगा दी। तो फिर मैंने इसकी एक ऐड फेसबुक पे डाल दी, तो फिर फेसबुक के जरिए ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास ऑर्डर आने लग गए। जैसे गुजरात से ऑर्डर आया था मेरे पास 5 टन का, और आंध्रा से मेरे पास अपने वर्मी वास का ऑर्डर आया था, और मोहाली से ऑर्डर आया था मेरे पास 10 टन का। तो हम अच्छे अच्छे रेट पे होम डिलीवरी भी पहुँचाते हैं लोगों तक। मेरे पास वर्मी कंपोस्ट की 5 यूनिट हैं, एक यूनिट में तो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं ये देख रहे हो आप, तो एक यूनिट में मैंने 4-4 बेड लगा रखे हैं। इस तरह से मेरे पास 20 बेड हो गए और अभी मैं आगे 70 बेड की और प्लानिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर ज़्यादा हो गए और सप्लाई मेरे पास है कम है। तो जो केचुए ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो असेनिया फेटिडा कैटेगरी के हैं, ये बहुत तेज़ी से काम करते हैं। और वर्मी कंपोस्टिंग अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसको आप कम लागत में शुरुआत कर सकते हैं, तो ये बहुत ही फ़ायदे का सौदा है। वर्मी कंपोस्ट से मैं अच्छा कमा रहा हूँ, इसके साथ साथ मैंने जैविक खेती का भी एक ट्रायल शुरू किया था 1 ईयर का 1 एकड़ में। तो मैंने वहाँ पे 10 टाइप की सब्जियाँ उगाई थी, हल्दी से लेकर लहसुन, धनिया, अदरक, टमाटर हो गए, और क्या ये बताऊ भी लगाए थे, गोभी लगाई थी मैंने। तो इसमें मैंने ये स्टडी की कि कैसे क्या इनकी बीमारियाँ आती हैं, कौन कौन से इनको न्यूट्रिशन चाहिए और कैसे क्या होता है, तो फिर मैं न्यूट्रिशन के लिए अपना यही इस्तेमाल करता हूँ, वर्मी वास और वर्मी कंपोस्ट अपना खुद का और वेस्ट डिकम्पोजर। और इससे क्या मेरा प्रोडक्शन जो है ना सब्जी का वो बहुत अच्छे स्तर का आया, तो मैंने सोचा उसको बहुत बड़े लेवल पे करने की, इसके साथ साथ मैंने बहुत बड़े लेवल पे करने की सोची है जैविक खेती को। तो अब मैंने यहाँ पे पौध भी लगाई हुई है 5-6 एकड़ के लिए सब्जी की, और हल्दी भी लगा रखी है मैंने साथ के साथ में, और सब कुछ मतलब यहाँ पे टोटली जैविक मिलेगा आपको जो भी होएगा। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले इनकी खेत की एक विजिट कर लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या लगाया हुआ है, कैसे कैसे इन्होंने मेंटेन किया हुआ है और कहाँ कहाँ पे इन्होंने क्या चीज़ ट्रायल के लिए लगाई हुई है, तो इनके खेत की पहले एक विजिट करते हैं। ये मैंने अभी एक कनाल में हल्दी लगाई थी इसके ट्रायल बेस पे, अब इसको मैं 4-5 एकड़ में शुरू करूँगा अगले सीजन में, जिसके मैंने अपने खुद के प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, वर्मी वॉश और वर्मी कंपोस्ट 1.5 मंथ हुआ अभी मैंने इसको लगाए हुए, देख सकते हो आप इनकी ग्रोथ 1.5 मंथ में। मैंने जो ट्रायल बेस पे सबसे बड़े नोट किया हल्दी के बारे में, ये इसमें क्या है, एक तो टेम्परेचर कम चाहिए हल्दी को, और इसको सबसे मेन इम्पोर्टेंट छाया, जितनी ज़्यादा छाया होगी हल्दी की उतनी ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ, इसलिए मैंने कुछ पौधे जो छाया में उनकी आप ग्रोथ देख लेना, और कुछ पौधे जो
धूप में है उनकी ग्रोथ देख लेना, आपको अलग से ही डिफरेंस पता चल जाएगा उसका। जो धूप के पौधे हैं उनकी ग्रोथ भी कम है और कुछ तो जानना ही नहीं है, देख सकते हो आप। कुछ पौधे हैं वो धूप में ज़्यादा धूप की वजह से ज़्यादा धूप तो जल गए हैं, तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसके हिसाब से हल्दी क्या है, हरियाणा में अगर आप हल्दी लगाते हैं इस क्षेत्र में तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि भाई उसको छाया और कम टेम्परेचर चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर। तो आप जितने भी देखेंगे इनके, तो जो छाया के पौधे हैं उनकी ग्रोथ अगर देखेंगे तो डेढ़ महीने के पौधे के हिसाब से जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है, लेकिन जो पौधे इनके धूप में थे उनकी कोई ग्रोथ नहीं हुई, बिल्कुल छोटे छोटे पौधे खड़े हैं और आधे से ज़्यादा पौधे जो धूप में थे वो जल भी गए हैं। तो अब इनका जो 8 से 10 एकड़ का जो बाग है, 8 से 10 एकड़ का जो इनको सफेद जिन एकड़ में इन्होंने सफेदे लगा रखे हैं, तो ये अब उन्हीं में हल्दी लगाएंगे जो बीच में स्पेस बचा हुआ उसमें, उस सफेदे की जो छाया है उसका ये फ़ायदा उठाएंगे। पानी है वो रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है उसके थ्रू ये पानी स्टोर कर रहे हैं और उसी के थ्रू ये सारे अपने 17-18 एकड़ का जो खेत है इसके अंदर पानी दे रहे हैं। ये जो है ये इन्होंने ट्रायल के लिए केले के कुछ पौधे लगा रखे हैं, मैंने ट्रायल पे लगाई थी कि यार, और इसमें मैं जो अपने खुद के प्रोडक्ट डालता था वर्मी वास और वर्मी कंपोस्ट, जिससे मेरी 3-3 फुट की गिया उतरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में मेरे इसके सामने, अभी वहाँ मचान विधि से इस गिया को एक एकड़ में अभी शुरू किया, उनके पौध मनानी शुरू कर दी हमने, एक एकड़ में अब उसका बड़े स्तर पर शुरू कर देंगे। अब तो इन भाई साहब ने जो रेन हार्वेस्टिंग का है वो बहुत ही अच्छा जो टैंक है वो बना रखा है, इसमें जितना भी पानी इनके जो एक्स्ट्रा जो बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है उसको इंजन से उठा के और इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं और उसको बाद में ये सिंचाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इन्होंने एक अमरूद का बाग भी लगा रखा है आधे एकड़ में, ये 25x25 पे पौधे हैं, कुछ एक पौधे हैं लेकिन ये एक साल के पौधे हुए हैं, जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है, सारा वर्मी वॉश और वर्मी कंपोस्ट से ये लगभग खेती कर रहे हैं। तो ये इन्होंने जो जामुन है वो लगा रखे हैं 3-4 पौधे, सामने जो हैं ये इन्होंने एप्पल बेरी और सिंपल वाली बेरी के पौधे लगा रखे हैं, ट्रायल के लिए लगाए थे। ये इन्होंने चीकू के पौधे लगा रखे हैं 4-5 पौधे जो अभी फ्रूटिंग पे हैं, अगर आपको देखेंगे तो ये फ्लावरिंग पे हैं, फ्रूटिंग पे तो नहीं है लेकिन ये फ्लावरिंग पे हैं, आप इजीली देख सकते हैं कि इनमें फ्लावर्स हैं वो आया हुआ है, ये फ्लावरिंग पे हैं। चीकू के कुछ पौधे हैं, आम के पौधे हैं, लीची के पौधे हैं जो इन्होंने लगा रखे, ये अमरूद के पौधे हैं जो अच्छे अभी फ्रूटिंग दे भी रहे हैं और अभी इन पे फल लगा भी हुआ है, और ये इनके जो किन्नू वगैरह के सारे पौधे इन्होंने 10-10 पौधे जो हैं वो ट्रायल के लिए लगाया हुआ है, और ये इनकी बेरी के पौधे हैं जो 2 साल पुराने हो चुके हैं, जो बहुत अच्छे मतलब ग्रोथ पे हैं, अच्छे अभी फ्लावरिंग पे हैं, और इन्होंने लगभग हर टाइप के जो पौधे हैं ये ट्रायल के लिए यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये एक अमरूद की अलग ही वैरायटी लेके आए हैं, ये पौधा इन्होंने पता नहीं कहाँ से बता रहे थे, कहाँ से इम्पोर्ट करवाया है, ये अमरूद का कुछ अलग ही पौधा है, बहुत छोटे पत्ते हैं कह रहे हैं, बहुत छोटा अमरूद लगते हैं इसको, बहुत मीठे अमरूद है, छोटे छोटे अमरूद लगे हैं बहुत मीठे अमरूद है, इसके अलग ही टेस्ट अमरूद होगा। तो अभी फ्रूटिंग इनके ऊपर आई नहीं, जब फ्रूटिंग आएगी तभी पता चलेगा, और इन्होंने अभी सब्जी भी यहीं पे जो था यहाँ पे भी ट्रायल किया है, और एक एकड़ इनकी अलग जगह है इन्होंने वहाँ पे भी इसको ट्रायल किया है। खुद के जो सफ़ेदे हैं उन्हीं को काट के इन्होंने जो ब्लेड वाला तार है उसके साथ में जो बैरिकेडिंग इन्होंने खुद की हुई है, टोटली जो सफ़ेदे के लट हैं जो लकड़ी है वो काट के और उसी से बैरिकेडिंग की हुई है, बीच में सफ़ेदे से सपोर्ट ले रखी है और बीच में ये 30-30 फुट के ऊपर पिलर हैं, तो ये इन्होंने कोस्टिंग बचा रखी है। तो ये इन्होंने एक छोटा सा मवेशी वगैरह बांधने के लिए थोड़ा वो बना रखा है, तो ये बहुत ही अच्छा इन्होंने मैनेज किया हुआ है, और ये यहाँ पे एडवांस नस्ल की कुछ गायें भी लाने वाले हैं। इसके साथ साथ अपना डेयरी फार्मिंग का भी काम है, और यहाँ पे मैं पोस्टन फ्रीजन जो अपनी गाय रखी हुई है शाम को यहाँ पे बांध देता हूँ, सुबह उनको यहाँ पे चरने के लिए छोड़ देता हूँ, पौधे में अपना घास फूस खा के फिर शाम को यहाँ पे वापिस आ जाती हूँ। इनके जो प्रोडक्ट है पूरी पैकिंग के साथ में मिलेंगे, पूरी डिटेल्स उसके ऊपर मेंशन होंगे। वर्मी वॉश 1 लीटर और 5 लीटर की पैकिंग में उपलब्ध है, इनको आप स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं उन पे संपर्क करके हमारे पास ऑर्डर कर सकते हो, और इनका यूज़ हम आपको कॉल पे बता दें कैसे क्या यूज़ करना है और क्या क्या इसमें न्यूट्रिएशन है, और वो सब कुछ लिखा हुआ है इनकी पैकिंग पे, कितने क्या न्यूट्रिएशन है सब कुछ इन पे लिखा हुआ है। वर्मी कंपोस्ट में 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो और 50 किलो की पैकिंग है, ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करते हैं, आप घर बैठे ऑर्डर करके हमें मंगवा सकते हैं।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जल्द ही मिलेंगे आगे नए वीडियो पे, और अगर आप किसी टॉपिक पे स्पेशली वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आप अगले वीडियो है वो इस टॉपिक पे बनाई। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।